हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूरियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिहार BTSC 2021 के लिए जो दो पोस्टें निकली हैं, पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और पोस्ट ऑफ जनरल मेडिकल ऑफिसर की, उसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे और इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और क्या फ़ी पे करनी पड़ेगी, किस स्टेट के लिए क्या कंडीशन है, ये सब आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मैं ले चलता हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार की, जहाँ से आपको ये पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हेडिंग है BTC मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट, लेकिन इसके अंदर दो पोस्ट हैं। देखिए, पोस्ट ऑफ स्पेशल मेडिकल ऑफिसर एंड जनरल मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट। एप्लीकेशन 4-5 को आई थी, मतलब कल के दिन, और लास्ट डेट इसकी 21 है। 24 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC EWS के लिए 200 रुपये फीस है और SC ST PH के लिए 50 रुपये फीस है। अब यहाँ पे आप एज लिमिट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया इन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि सीनियर और जनरल है तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस होंगे। मैक्सिमम एज मेल की 37 है और फीमेल की 40 ईयर्स होनी चाहिए। वैकेंसी डिटेल में देख सकते हैं 6338 पोस्ट हैं, और जिसमें जनरल मेडिकल ऑफिसर की 2632 पोस्ट हैं, जिसमें इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MBBS होना चाहिए। और बाकी डिटेल्स मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा कि कहाँ से आपको देखनी है। और इसी तरह से स्पेशलिस्ट की भी पोस्ट हैं, जिनको डिवाइड करा गया है कुछ पार्ट्स में, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है स्पेशलिस्ट के लिए, और यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। तो आपको ये ऑनलाइन कहाँ से अप्लाई करना है, अब मैं वेबसाइट पे ले चलता हूँ, और उस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको URL प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके उस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है जिसका URL है pariksha.nic.in, बिहार टेक्निकल एंड सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं स्पेशलिस्ट और जनरल के लिए। तो यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते देखिए यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ जाएंगे, जहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन दिया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशलिस्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया गया है। आप जिस भी डिपार्टमेंट से अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसका नेम देखेंगे और उसी के सामने आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अब जैसे यहाँ पे साइकेट्रिस्ट का ऑप्शन है, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर साइकेट्रिस्ट, तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप जनरल मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है जनरल मेडिकल ऑफिसर, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। दोनों का प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ अलग ऑप्शन दे दिए हैं जिससे कैटेगरी डिफरेंट हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल तौर पे जनरल मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, जहाँ पे क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया है कि इनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पे स्केल बताई, एज बताया है कि लो एज कितनी होनी चाहिए और अपर एज कितनी होनी चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ शो हो रहा है। आप क्वालिफिकेशन देखने के लिए यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन शो हो जाएगी, MBBS, MD, MS, DNB, पोस्ट DM, MCH और या DNB इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ से आप बैक कर दीजिए स्टेप को। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन का लाल रंग का बटन लास्ट में दिया है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह की आपके सामने स्क्रीन आएगी, जिसमें बताया है आपको हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और पासिंग रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स, ये सब पता होनी चाहिए, ये आपको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए फिल करने के लिए यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एक बटन दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है आपने यहाँ जितनी डिक्लेरेशन दी है पढ़ ली है, समझ ली है। तो यहाँ देखिए लिखा है आई डिक्लेयर दैट आई फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट एंड एग्जामिनेशन ऑन द डेट ऑफ अप्लीकेशन एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। आप यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा जो आपको भरना है। तो अब मैं स्क्रॉल करके आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा फॉर्म है, काफ़ी डिटेल्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी है। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल्स को फिल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे फॉर्म को फिल कर लिया है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका नेम लिखेंगे, फुल नेम लिखना होगा, फिर उसके फादर का फुल नेम लिखना होगा। अगर कोई लेडीज़ हैं और मैरिड हैं तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ मदर का फुल नेम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी एप्लीकेंट की, जेंडर यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस पूछा है, मैरिड या अनमैरिड, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिटीजनशिप है कि अगर आप तिब्बतियन है या माइग्रेट है तो आप सेलेक्ट करेंगे, इंडियन है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करना होगा कि आप किस की कास्ट क्या है, आप यहाँ से कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं डोमिसाइल स्टेट का ऑप्शन है, और यहाँ पे जब आप कर्सर ले जाएंगे तो बताता है कि अगर आप बिहार से हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन के समय दिखाने होंगे। लेकिन अगर दूसरे स्टेट से हैं तो यहाँ पे आपके लिए जो कैटेगरी आती है इस जगह पे सिर्फ जनरल होती है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं जो एप्लीकेंट है अगर यहाँ से बिहार से होगा, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन और खुल जाता है, और यहाँ पे जो कैटेगरी के ऑप्शन है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मांगा जा रहा है
अगर आप बिहार से हैं और डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको एज अ जनरल ट्रीट करा जाएगा और जनरल का ही आपको पेमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे बिहार करा, ये देखिए एक ब्लू कलर से बड़ा हाईलाइट होके एक ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें पूछा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैंडीकैप्ड और स्किल प्लेयर ऑफ बिहार। लेकिन अगर आप स्टेट आउट ऑफ बिहार सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आता है। तो मैंने ओपन करके दिखा दिया, क्योंकि अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा शायद ये ऑप्शन यहाँ आता ही नहीं है। अब यहाँ से आप पहले होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक जो ऑप्शन है कैटेगरी का, वो आपको सिंगल मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया था सिर्फ जनरल यहाँ पे कर पाएंगे। अप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर है वो आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी है वो आप मेंशन करेंगे, और ईमेल आईडी के लिए बताया गया कि आगे के प्रोसीजर के लिए आपको ईमेल आईडी चेक कर लेनी है, कहीं गलत ना हो, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन उसी ईमेल आईडी से किया जाएगा और उस मोबाइल नंबर से किया जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आप पूछा आर यू एम्प्लॉयड या एक्स एम्प्लॉय, तो अगर हैं तो यस करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप कहाँ पे एम्प्लॉय हैं, किस तरह के एम्प्लॉय हैं, कब तक हैं। देखिए टाइप ऑफ एम्प्लॉय आ गया, इंटर्नशिप पूछी जाएगी कहाँ से कब तक की है। लेकिन अगर यहाँ पे आप नहीं है कहीं पे एम्प्लॉय या इंटर्न, तो आप यहाँ नो कर देंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन हट गया। अब यहाँ पे खाली इंटर्नशिप लिखनी है जहाँ पे कर रहे हैं और कब तक करी है आपने, वो आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पूछा गया किस इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल से आपने ये करा है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन का जो नेम होगा ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर्नशिप का स्टेट पूछा है, तो ये इंटर्नशिप जो आपने करी है उसका स्टेट क्या है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं ड्यू यू हैव अ परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर या MIC गवर्नमेंट स्टेट मेडिकल काउंसिल एक्नॉलेजमेंट, तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना होगा परमानेंट था, सर्टिफिकेट था, जो भी आप अपलोड करेंगे यहाँ बाद में, मतलब जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना होगा कि वो कौन सा नंबर है, मेडिकल नंबर था, MIC नंबर था, स्टेट मेडिकल काउंसिल का नंबर था या एक्नॉलेजमेंट का नंबर था। तो आपका जो भी नंबर हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे वो नंबर को आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद इंटर्नशिप का जो ईयर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्टॉल करें, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा, जिसके लिए पहले केयर ऑफ लिखेंगे, जिस तरह से आधार में केयर ऑफ लिखा होता है, तो आप उनके फादर मदर या हस्बैंड जो लिख रहे हैं एप्लीकेंट के, तो जिसका आप फिल कर रहे हैं आप उनके फादर मदर या हस्बैंड का नेम यहाँ लिख सकते हैं। हाउस अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो 0 लिख देंगे, अगर आप शहर से हैं तो अपना हाउस नंबर या विलेज नंबर लिखेंगे। स्ट्रीट लिखेंगे अपने एरिया की, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपने ब्लॉक का जो नाम होगा आप वो सेलेक्ट करेंगे। बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने का, उसके बाद आप विलेज सेलेक्ट करेंगे और फिर आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। यहाँ पे जितने भी ड्रॉप डाउन ऑप्शन है जब आप सेलेक्ट करते हैं थोड़ा सा एक लोड होता है, जिस तरह से मैंने अभी दिखाया था, उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन खुलता है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन भरनी है, जिसके लिए आप ड्रॉप डाउन में पहले बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कौन सा था, किस ईयर में पास करा था, रोल नंबर क्या था और इवेल्युएशन टाइप था, मतलब आपका जो हाई स्कूल हुआ था उसमें परसेंटेज सिस्टम था, ग्रेड था, पॉइंट था, CGPA था, अदर था, तो आपका जो भी सिस्टम था आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ आगे के ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं, आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर परसेंटेज था तो परसेंटेज डालेंगे और यहाँ से आपको डिवीजन सेलेक्ट करनी होगी। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट का पूछा है, यहाँ इंटरमीडिएट था तो बोर्ड कौन सा था, ईयर कौन सा था, रोल नंबर क्या था, परसेंटेज थी कि इवेल्युएशन टाइप, जो भी आपका हो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे और यहाँ से आप डिवीजन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिसमें MBBS मैंडेटरी है, तो आपकी जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MBBS के साथ वो आपको भरनी होगी, तो यहाँ जो जो है आपकी भर लेंगे। यहाँ मेरे कंडीशन में एक है तो मैंने यहाँ भर दी है। अफर्मेशन के लिए यस और नो करना होगा, आप यस कर देंगे। टाइप, उसके कॉलेज और इंस्टीट्यूट टाइप है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो कॉलेज था जहाँ से आपने MBBS करा वो किस टाइप का था, गवर्नमेंट, प्राइवेट, यूनिवर्सिटी थी या अदर था, आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन में यहाँ नेम मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको नेम मिलेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर नहीं मिला तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे नीचे, और आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद किस ईयर में ये कोर्स आपने पास करा था आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इन ग्रेड सिस्टम के बारे में पूछा गया, अगर आपको पता है तो यस कर देंगे वरना नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन करे वो डालेंगे और कितने में से टोटलिंग हुई थी आप वो डालेंगे, तो यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, लेकिन अगर आपकी कोई डिटेल इसमें से है MD, MS, DBN, पोस्ट ऑफ MBBS, डिप्लोमा, DM, MCH या DBN, तो आप इसको फिल करेंगे यहाँ पे। अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ये कैप्चा कोड दिया है, आप यहाँ इंटर करेंगे एज इट इज़। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये रिफ्रेश का बटन है, क्लिक करके इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके जो पूरा फॉर्म है यहाँ पे आपको शो होके आने लग जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये फॉर्म प्रीव्यू में शो होके आएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म आएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन है, आप स्क्रॉल करके इस पूरे फॉर्म को देख सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे डिक्लेयर का ऑप्शन है, आप डिक्लेयर नहीं देंगे। यहाँ कंसर्न देने से पहले आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप फिर से वहाँ से प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से पॉपअप फिर से आएगा। लेकिन अगर आपका सब कुछ यहाँ पे सही है तो आप डायरेक्ट यहाँ कंसर्न देंगे तो देखिए यहाँ सबमिट और बैक के ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करते इस तरह से पॉपअप विंडो आएगी जिसमें बताया है, आप कंफर्म करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते फिर आप रुकेंगे, इस तरह की लोडिंग होती रहेगी जब भी आप कोई नया ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपको इस पूरे एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना होगा, जिसके लिए आप चाहे तो यहाँ प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ से निकल आएगी। आप चाहे तो उसको सेव करके रख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको सेव करके रख लें। अब यहाँ पे आगे क्या करना है मैं आपको एक बार बताता हूँ, उसको सेव कर लूँ तो उसके बाद आप स्क्रॉल करके फिर से नीचे आएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं टोटल एप्लीकेशन फ़ी और टोटल पेएबल फ़ी आ रही है। अब यहाँ प्रोसीड फॉर फी पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। फी पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आ गया, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में ये पेमेंट जाएगा। अब यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ रहा है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, रिक्रूटमेंट टाइप आ रहा है, अमाउंट आ रहा है। अब आपको पे करने के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अपने स्टेट बैंक मोपस में और यहाँ प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस भी बताए हैं आपको, कौन से ऑप्शंस आगे मिलेंगे, नेट बैंकिंग के मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI बड़ी का मिलेगा। तो यहाँ पे आप प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन पे क्लिक कर देंगे, इस तरह का पॉपअप आएगा, आप यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस तरह के देखिए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। SBI योनो का है, अदर बैंक का भी है, डेबिट कार्ड का भी है, अदर बैंक डेबिट कार्ड का भी है और क्रेडिट कार्ड का है और UPI ऑप्शन भी है। तो आप जिससे चाहे पेमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आपको प्रोवाइड करें। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप वापस से होम स्क्रीन पे आएंगे क्योंकि अभी आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट नहीं हुआ है। तो आपको कंप्लीट सबमिट करने के लिए फिर से आप ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं पहला ऑप्शन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का था जो हम लोग कर चुके हैं, फी डिपॉजिशन आप कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ आएंगे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था आप वो यहाँ पे इंटर करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डबल वेरिफिकेशन करना होगा अपने पेमेंट रिसिप्ट का। तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट रिसिप्ट नंबर मिला होगा, एक पेमेंट करने के बाद इसमें ट्रांजेक्शन ID और जनरल नंबर होता है। ट्रांजेक्शन जिस दिन भी आपने पेमेंट करा है उस दिन डेट होगी, उसकी मंथ होगी और उसका ईयर होगा। उसके बाद यहाँ वेरिफिकेशन कोड डाल के आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ही आपका पेमेंट कन्फर्म माना जाएगा और उसके बाद ही आपका जो ये एप्लीकेशन है इसको आप कम्प्लीटली सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं करा है, ये एज अ डेमो वीडियो है। अगर कोई एप्लीकेंट होता तो मैं आपको पूरा पेमेंट करके आगे का प्रोसीजर भी दिखा देता। अब आपको जब यहाँ से सबमिट करके आगे फॉरवर्ड करेंगे तो इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का वहीं पर डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है कि किस साइज़ में आपको बनाना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद फॉर्म का प्रीव्यू आएगा और लास्ट में फिर आपको एक कैप्चा कोड एंटर करना होगा और फाइनल सबमिट का बटन आपको नीचे ग्रीन कलर से बड़ा सा दे दिया जाता है। आप सबमिट करेंगे और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एप्लीकेशन के नीचे आपका पेमेंट का स्टेटस भी आएगा, सबमिटेड या पेड का। तो इस तरह से फिर आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में स्पेशलिस्ट या जूनियर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है इसे ऑनलाइन अप्लाई करने से लेके, तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।